नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। लापता लेडीज फिल्म डायरेक्टर किरण राव ने एक इंटरव्यू में अपने एक्स हस्बैंड आमिर खान के बारे में बात की। किरण ने कहा कि उन्होंने और आमिर ने तलाक लेने से पहले काफी वक्त लिया, पर अब वो अपने फैसले पर बहुत खुश हैं। किरण ने यह भी बताया कि उन्हें इस फैसले पर अपने और आमिर के परिवार का भी साथ मिला। किरण इसे खुशनुमा तलाक बताती है। एक शो पर अपने तलाक के बारे में बात करते हुए किरण ने कहा, मुझे लगता है कि रिश्तों को समय समय पर फिर से परिभाषित करने की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम बदलते जाते हैं, हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी तरह मुझे लगा कि ये तलाक मुझे खुशी देगा और यकीन मानिए मैं इससे बहुत खुश हूँ। ये एक बहुत ही सुखद तलाक है। किरण ने आगे कहा, आमिर के आने से पहले मैं काफ़ी वक्त तक सिंगल थी, अपनी आज़ादी एंजॉय करती थी। हालांकि पहले भी मुझे अकेलापन महसूस होता था, लेकिन अब अपने बेटे आज़ाद की वजह से मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। मुझे लगता है कि तलाक के बारे में सोचने पर लोग अकेलापन को लेकर चिंतित रहते हैं, पर मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मुझे अपने परिवार के साथ ही आमिर के परिवार का भी सपोर्ट मिला। किरण ने यह भी कहा कि आमिर और उनके लिए 15 साल के रिश्ते को ख़त्म करना आसान नहीं था। वो दोनों इसे लेकर काफ़ी इमोशनल थे। हम ये सिक्योर करना चाहते थे कि तलाक के बावजूद भी हम एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगे। आमिर और किरण 24 साल पहले फिल्म लगान की शूटिंग के दौरान मिले थे। किरण इस फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर थी। दोनों ने दिसंबर 2005 में शादी की थी। इसके 16 साल बाद कपल ने जुलाई 2021 में अपना तलाक कंफर्म किया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।